नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा फ्यूचर एंड ऑप्शन के मैनुअल की, यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन का मैनुअल है और उसकी हम बात करेंगे कि आने वाले सप्ताह में या आगे मार्केट कैसा रहने वाला है। सेंसेक्स 230 अंक ऊपर और निफ्टी 19,400 के आसपास और 19,400 पर मजबूत सपोर्ट मिलता हुआ भी दिख रहा है। इसका मतलब यह है कि यहाँ से बाजार में जल्द ही नया ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है और बाजार नई तेजी पकड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। हालांकि इस ब्रेकआउट की पुष्टि के लिए निफ्टी को 19,400 के ऊपर की क्लोजिंग देनी होगी। एक बार यह लेवल पार होने के बाद निफ्टी में हमें 19,600 और उससे आगे का लेवल देखने को मिल सकता है। वहीं नीचे की तरफ निफ्टी 19,200 के लेवल पर मजबूत सपोर्ट के साथ में देखने को मिल रही है। सेंसेक्स निफ्टी ने आज बढ़त के साथ शुरुआत की। आज का मार्केट आपने देखा भी होगा तो उसमें आपने देखा कि बहुत अच्छी बढ़त के साथ में शुरुआत हुई है। अच्छे ग्लोबल इंडिकेटर्स के चलते बाजार को आज अच्छा सपोर्ट मिला है। ऑयल एंड गैस को छोड़कर सभी सेक्टर्स में तेजी देखने को मिली है। 30 अगस्त की दोपहर में सभी अहम सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान पर दिख रहे थे और 2:40 के आसपास सेंसेक्स 184.82 पॉइंट के साथ, यानी कि 0.28% की बढ़त के साथ 65,260.64 के पॉइंट पर दिख रहा था। और जबकि निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी में 92.9 अंक यानी कि 0.48% की बढ़त के साथ 19,435.55 पर दिख रहा था। लगभग यह करीब 2,137 शेयरों में तेजी देखने को मिली है आज। और वहीं 843 यानी कि 843 स्टॉक ऐसे हैं जो गिरे हैं, जबकि 109 शेयर ऐसे रहे जिनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। ऑप्शन डेटा से ये पता चलता है कि आज पुट राइटर्स का दबदबा रहा। 19,400 की स्ट्राइक को मजबूत सपोर्ट मिलता हुआ देखने को मिला आज। टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो उसमें लो मोमेंट के दौर में भी अक्सर हमें बाजार में हाई मोमेंटम देखने को मिलता है। ऐसा लगता है कि ट्रेडर्स इस समय उत्सुकता से इसी ट्रिगर का इंतजार करते हुए दिखाई देते हैं कि अब उनको बाजार में तेजी आने की उम्मीद लगती है। जैसे जैसे मंथली एक्सपायरी निकट आ रही है, हमें जल्दी बाजार में तेज ट्रेडिंग मूवमेंट देखने में काफी संभावना बनती हुई नजर आ रही है। तो ये तो रहा FNO का बारे में मैंने आपको बताया, और बात करते हैं आगे ब्रोकरेज फॉर्म्स वगैरह ये क्या सोचते हैं, तो उस तरह का भी मैं आपसे शेयर कर देता हूं। यहां से बाजार में जल्दी नया ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। बाजार नई तेजी पकड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। हालांकि इस ब्रेकआउट की पुष्टि के लिए निफ्टी को 19,400 के ऊपर की क्लोजिंग देनी होगी। एक बार ये लेवल पार होने के बाद निफ्टी हमें 19,600 और उससे आगे का लेवल उसमें देखने को मिल जाएगा या मिल सकता है। वहीं नीचे की तरफ बात करेंगे तो 19,200 का लेवल पर मजबूत सपोर्ट के साथ में देखने को मिल जाएगा, और यह सपोर्ट टूटने पर निफ्टी शॉर्ट टर्म में 19,000 और यहां तक कि 18,800 तक गिर सकता है। लेकिन बाजार का ओवरऑल सेंटीमेंट अभी की बात करें तो बड़ा पॉजिटिव नजर आता है। तो ऐसे में निफ्टी में इस तरह की किसी गिरावट की या इस तरह का देखने को शायद ना मिले, क्योंकि पॉजिटिव मोमेंट और सेंटीमेंट्स के साथ में मार्केट बड़ा पॉजिटिव दिखाई देता है। और इसमें गिरावट को खरीदारी के मौके के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए, अगर गिरावट आती है तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई देती है। अब बात करेंगे अगले स्टॉक की, तो इसी वीडियो में मैंने स्टॉक भी लिया है, तो स्टॉक की हम बात करेंगे। ये तो FNO की बात हो गई, मार्केट पर जो चर्चा होती है तो वो मैंने आपसे शेयर की। अब बात करते हैं एक ऐसे कंपनी के स्टॉक के बारे में जो कंपनी काफी दिनों से चर्चा में, क्या लगातार एक अच्छी कंपनी है और अच्छी कंपनी का एक अच्छा स्टॉक है, उसकी हम बात करेंगे। कंपनी का नाम है राइट्स लिमिटेड। तो राइट्स लिमिटेड का ये स्टॉक है और आज जो है 504.95 पर ये क्लोज हुआ है, करीब करीब 6% की तेजी के साथ में 30 अगस्त 2023 को, यानी कि बहुत अच्छी तेजी इसमें देखने को मिली है। सेम डे आज की बात कर रहे हैं, डे है आज बुधवार यानी कि वेडनेसडे, और आज भी इसमें 6% की तेजी देखने को मिली है। लास्ट वीक की बात करेंगे तो एक सप्ताह के अंदर भी इसमें 5% की तेजी देखने को मिली है। अब बात करते हैं अगर लास्ट मंथ की, तो एक महीने के अंदर इस स्टॉक में करीब 13% की तेजी देखने को मिली है और एक साल के अंदर इस स्टॉक में करीब करीब 68% की तेजी देखने को मिली है। एक साल पहले सेम अभी इसी मंथ के आसपास 2022 की अगर हम बात करेंगे तो उस समय ये स्टॉक 285 रुपीज के आसपास ट्रेड करता था। अब आगे बात करते हैं 52 वीक्स की, लो और हाई की। तो 52 वीक्स का लो मैं आपको बता चुका हूँ, 280 रुपए के आसपास या 281 रुपए के आसपास इसका लो हुआ करता था 52 वीक्स का। हाई की बात करते हैं तो हाई इसका 511.90 रहा है, जो कि अब देखने को आज मिला है। ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें मैक्सिमम जो ब्रोकरेज फर्म हैं वो भी इसमें बाइंग की सलाह देती हैं और बाइंग की सलाह दे रही हैं। अच्छे टारगेट के साथ भी लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। क्या कारण है
वो सब मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। बेसिकली इस कंपनी को भी रेगुलर बेस पर बहुत अच्छे ऑर्डर्स और इनके जेवीज या इस तरह के वर्क प्रोजेक्ट इनको मिलते जा रहे हैं। अभी रिसेंटली इसको क्या हुआ है कि इंडियन गवर्नमेंट से भी काम मिला है, इसके चलते इसके शेयर भी रॉकेट बन गए हैं और इसका जो शेयर है एकदम तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। बहुत तेजी इसमें देखने को मिल रही है और ये तेजी अभी 504 रुपए पर क्लोज हुई है। आज का ये प्राइस इसका 504 रुपए 95 पैसे रहा है और उसका बेसिक कारण इसका बढ़ने का है वो मैं आपसे बता चुका हूँ कि भारत में जो ट्रांसपोर्टर का इस इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो बिजनेस या कंसल्टेंसी होती है और इंजीनियरिंग फर्म्स होती है तो उस तरह का इनका बिजनेस है। तो इस फर्म जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट की कंसल्टेंसी के साथ साथ इंजीनियरिंग का भी ये काम करती है कंपनी राइट्स लिमिटेड, तो इसके स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। बेसिक कारण यही है कि इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बड़े अच्छे ऑर्डर मिले हैं। राइट्स ने खुद ये बताया है कि अगले 5 सालों तक करीब रेल हमारा रेल का डिपार्टमेंट है तो भारतीय रेल के लिए ये करीब 60 लाख मीटर रेल का जो निरीक्षण होता है जो उसकी जो क्रॉस चेकिंग वगैरह जो होती है तो उस तरह का काम इनको मिला है और ये लगातार उस काम को अगले 5 सालों तक करते रहेंगे। तो ये बड़ा ऑर्डर है और ये काफ़ी लंबी जो रेल की पटरीज और रेल होती हैं तो उनको उनके इंजीनियरिंग का जो चेकिंग का काम होता है वो इस कंपनी को मिला है। इससे पहले भी इसको बहुत अच्छे ऑर्डर मिले हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश से भी इसको NHPC के करीब 2880 मेगावाट प्रोजेक्ट के लिए ये करार किया गया है और 30 जून 2023 तक कंपनी के ऑर्डर बुक में करीब 5700 करोड़ रुपए का इनका ऑर्डर बुक बन चुकी है। तो कंपनी को 300 प्लस करोड़ रुपए के 70 से अधिक ऑर्डर मिले हैं, यानी कि इनके पास ऐसे ऑर्डर हैं जो 300 करोड़ से ज़्यादा के हैं और उनकी अगर क्वांटिटी की बात करेंगे तो वो 70 से भी ज़्यादा ऐसे ऑर्डर हैं जो जिनकी वॉल्यूम 300 करोड़ से ऊपर की बनती है। यही इसका बेसिक कारण है कि राइट्स लिमिटेड के स्टॉक में एकदम तेजी देखने को मिली है और ये तेजी ईयर टू ईयर हमेशा बहुत तेजी के साथ में इसमें ग्रोथ हो रही है और अच्छा प्रॉफिट बनाकर ये स्टॉक देता हुआ नजर आ रहा है। 52 वीक्स का लो हाई हम डिस्कस कर चुके हैं तो उसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। तो उम्मीद करूंगा कि राइट्स के बारे में ये काफ़ी जानकारी इसकी मैंने दे दी है और बेसिक अगर बात करेंगे 14 डेज की अगर इसके फोरकास्ट की तो वो भी हमने दिया किया है तो उसमें भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ कि करीब करीब आप अगर हाईएस्ट और लोएस्ट की बात करते हैं तो इसका 52 वीक्स के अंदर जो हाईएस्ट रहने वाला है वो है इसका आने वाले समय में आप देखेंगे 538 रुपये के आसपास ये आपको नया इसमें हाई देखने को मिलेगा कमिंग 2 वीक्स के अंदर। और जहां तक लो की बात है 495 रुपीज़ इसका लो देखने को मिल जाएगा कमिंग 2 वीक्स के अंदर। तो ये तो आज के 2 वीक्स का हाईएस्ट एंड लोएस्ट प्राइस का प्रिडिक्शन। अब बात करते हैं आगे इसके मंथ वाइज डाटा की कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2023 में ये स्टॉक ऐसा रहने वाला है। राइट्स लिमिटेड का जो स्टॉक है एक बेहतरीन और अच्छा स्टॉक है। अक्टूबर में आप देखेंगे कि ये इसका स्टॉक 586 रुपीज अक्टूबर में देखने को मिलेगा करीब 85 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख जाएगा। और वही बात करेंगे नवंबर और दिसंबर की तो नवंबर में 600 क्रॉस करेगा और इसके बाद में ये 680 के आसपास आपको दिसंबर 2023 में देखने को मिल जाएगा। तो है ना कमाल का स्टॉक राइट्स और अच्छा डिविडेंड देने वाली कंपनी है, अच्छी हर तरीके से और बहुत ही सिक्योर कंपनी है। गवर्नमेंट सेक्टर के काम करने वाली एक PSU कंपनी बनती है ये और इसका स्टॉक हर आदमी या हर इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में होना चाहिए। आज ही कुछ अच्छे स्टॉक आप चुनें, अगर आपके पोर्टफोलियो में अभी भी आप रेड जोन में हैं तो यकीन मानिए कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक है। आप प्रॉपर उसके पोर्टफोलियो को स्टडी कीजिए, हर सेक्टर से एक या दो दो स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें, कंपनी की स्टडी करें उसके बाद ही शामिल करें। अच्छे स्टॉक हमेशा फायदा देते हैं। इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और भी किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सबको प्रॉफिट भी हो रहा होगा, अभी बहुत अच्छा मार्केट और बहुत तेजी मार्केट में देखने को मिल रही है। सभी को नमस्कार, खुदा हाफिज़, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट, गुड लक।